हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे बीपीएड एडमिशन 2024 के बारे में। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि राजस्थान के अंदर किन किन जिलों के अंदर कहाँ कहाँ कॉलेज अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चों के दिन प्रतिदिन क्वेश्चन आते हैं, कॉल्स आते हैं कि सर बीपीएड एडमिशन कराना है, बीपीएड एडमिशन कराना है, क्या राजस्थान में संभव हो पाएगा। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में हर बच्चे का एडमिशन हो पाना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि राजस्थान में जो कॉलेजों की संख्या है लगभग 20 के आसपास है। और यदि हम माने कि प्रत्येक कॉलेज में 50 सीटें हैं, तो 1000 के आसपास यहाँ बच्चों के एडमिशन हो सकते हैं, जबकि राजस्थान में बच्चों की संख्या है वो है बहुत ही ज्यादा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि राजस्थान में किन किन जिलों के अंदर कॉलेजेस हैं, और यदि आपका राजस्थान में एडमिशन होता है तो द बेस्ट है, अन्यथा फिर आपके पास अन्य राज्य में बीपीएड का कोर्स करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उसके लिए भी हम हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों के लिए जारी करेंगे। कोई भी बच्चा बीपीएड करने का इच्छुक है और चाहता है कि भाई मेरा राजस्थान में किसी भी कारण से एडमिशन नहीं हो पा रहा, मेरा यूपी में या हरियाणा में या किसी अन्य राज्य में एडमिशन हो जिससे मैं बीपीएड का कोर्स कम्प्लीट कर सकूँ और आने वाली जो आगामी भर्तियां हैं उसमें मैं शामिल हो सकूँ, तो साथियों वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। और जो साथी चैनल पर पहली बार आया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। साथियों, ये लिस्ट हमने आप लोगों के लिए तैयार करके रखी है कि राजस्थान के अंदर कितने कॉलेजेस हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंदर जो कॉलेजेस की संख्या है वो 20 यानी कि 20 कॉलेज यहाँ अवेलेबल हैं। और इसके बाद में हम आप लोगों से बात करेंगे कि भाई देखो, ये 20 कॉलेजेस हैं, यहाँ मेरिट बेस पे आप लोगों का एडमिशन होता है। इससे पहले हमने एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की थी जिसमें हमने कंप्लीट और विस्तृत जानकारी दी थी कि क्या एजुकेशन होनी चाहिए, किस प्रकार से कैसे क्या बच्चों के दाखिला हो सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, किसी कारण से आपने नहीं देखी थी तो आप एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। 18-20 मिनट की वीडियो है, कम्प्लीट जानकारी दे रखी है उसके अंदर कि राजस्थान में किस प्रकार से कैसे क्या एडमिशन होती है, कम्प्लीट प्रक्रिया आपको समझा रखी है, एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। साथियों, हम वन बाई वन चर्चा करते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा जो आपका कॉलेजेस हैं उनकी जो संख्या है, यहाँ आप देख पाओगे 101 से लेके ये कोर्स स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलेज की बात करें तो आदर्श शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय सुरोट करौली के अंदर ये स्थित है। आप देख पाओगे ये विश्वविद्यालय है, ये करौली के अंदर स्थित है, आदर्श शारीरिक शिक्षा के नाम से। उसके बाद सेकेंड कॉलेज की हम बात करें तो भारत माता शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय किशनगंज के अंदर ये अवेलेबल है। उसके बाद तीन नंबर के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तीन नंबर कॉलेज की जिसका कोड 103 है, बियानी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्राम कलवार, और ये जोबनेर रोड के ऊपर अवेलेबल है, जिला जयपुर के अंदर है, जिसका पिन कोड भी दे रखा है 30-37-06। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके अपने पास रख सकते हो, नहीं तो इन सभी कॉलेजेस के नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए डाल देता हूं। जैसे भी आपको इनमें से कोई भी कॉलेज सर्च करना हो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन से संबंधित बातचीत करनी हो तो आप कर सकते हो। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा 9467179859। यदि किसी कारण से किसी भी बच्चे का राजस्थान के अंदर एडमिशन नहीं हो पाता है और वो बच्चा भारी किसी राज्य के अंदर अपना बीपीएड का कोर्स करने का इच्छुक है, तो वो बच्चा एक बार जरूर हमसे कांटेक्ट करें। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करेंगे जिसको 104 नंबर कोड दिया गया है, 104 कोड दिया गया है। ये आपका जो कॉलेज है वो है डिड्डी डालमिया शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जामडोली जयपुर के अंदर ये स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें जिसका कोड है 105, दयानंद कॉलेज रामगंज अजमेर के अंदर ये स्थित है। रामगंज कोई जगह का नाम है, अजमेर आपके जिले का नाम है। नेक्स्ट कॉलेज की हम बात करें जिसका कोड है 106, शारीरिक शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय राजस्थान के जयपुर के अंदर ये स्थित है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज है उसका कोड है 107 जिसका नाम है सरकार शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर के नाम से ये जाना जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करेंगे तो ये कॉलेज रहेगा, इसका कोड है 108, कृष्णा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और ये है उदयपुर के अंदर, मालवी कोई जगह का नाम है उसके अंदर ये स्थित है।
और जिला आपका रहेगा उदयपुर। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं जिसका कोड है 109, नारायणी देवी वर्मा महिला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, और ये अवेलेबल है भीलवाड़ा शहर के अंदर। तो जो भी साथी इनमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का इच्छुक है, बिल्कुल बेहिचक होकर एडमिशन ले सकता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है 110, उसका यहाँ आप देखोगे उदयपुर के अंदर आपका कॉलेज स्थित है, स्पेसिफिक कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से इस कॉलेज को की जानकारी आपको मिल जाएगी। एयरपोर्ट रोड है, एयरपोर्ट रोड है, और ये प्रताप नगर के अंदर एक्सटेंशन उदयपुर के अंदर ये कॉलेज स्थित है। उसके बाद कॉलेज का कोड है 111, ये है राणा प्रताप शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, और ये भी उदयपुर के अंदर स्थित है। भिंडर कोई जगह का नाम होगा, हिता और भिंडर, इसको आप जानते होंगे अच्छे से, यहाँ पे ये कॉलेज अवेलेबल है। कोई भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है तो इन कॉलेजों में बातचीत कर सकता है, और जो प्रोसेस है वो हमने बता रखी है किस प्रकार से मेरिट मिलती है और किस प्रकार से आप लोगों का दाखिला यहाँ होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले कॉलेज की, तो वो है आपका SD शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, ग्राम विराट नगर के अंदर है, गणेश जी रोड रहेगा, तहसील इसमें आपकी विराट नगर रहेगी और जिला आपका जयपुर रहेगा। ये जो मैं आपको लिस्ट दिखा पा रहा हूँ साथियों, ये हमने राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से उठाया है। हो सकता है कि फिलहाल किसी जिले का नाम बदल दिया गया हो, जैसे यहाँ तहसील विराट नगर रख रखी है, हो सकता है कि किसी तहसील को जिला बना दिया गया हो, तो वो एक बार आप अपने हिसाब से चेकआउट कर लेना। बाकी कॉलेज के नाम और जगह उनकी लोकेशन सारी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है 113, ये है श्री भवानी निकेतन किट्टी कॉलेज, सिक्कर रोड के ऊपर स्थित है और ये भी जयपुर के अंदर अवेलेबल है। साथियों नेक्स्ट कॉलेज की मैं बात करूं तो जिसका कोड है 114, ये है श्री दारिका शारीरिक शिक्षा परीक्षण महाविद्यालय नाल, और ये बीकानेर के अंदर स्थित है। राजस्थान स्टेट बड़ा है, राजस्थान में कॉलेजेस की संख्या है वो बहुत ही कम है। नेक्स्ट कॉलेज की मैं बात करूं तो ये है 115, यानी कि 115 नंबर इसका कोड है, श्रीनाथ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर ये कॉलेज आपका अवेलेबल रहने वाला है। जो भी साथी चित्तौड़गढ़ के नियर बाय का है एक बार जरूर विजिट करके देखें। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है जिसका कोड है 116, और ये है श्री सनातन धर्म शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय केकड़ी, अजमेर सिटी के अंदर ये शहर अवेलेबल रहेगा, अजमेर शहर अजमेर जिले के अंदर अवेलेबल रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है जिसका कोड है 117, टाटिया विश्वविद्यालय श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर यानी कि श्री गंगानगर के अंदर ये कॉलेज आपका अवेलेबल यहाँ रहने वाला है। नेक्स्ट यदि बात करूं तो 118 इसका कोड रहेगा, मेवाड़ विश्वविद्यालय गंगरार, और ये चित्तौड़गढ़ के अंदर ये कॉलेज भी अवेलेबल रहने वाला है। जो भी साथी नियर बाय का है एक बार जरूर विजिट करके देखें यदि यहाँ एडमिशन लेने का इच्छुक है। नेक्स्ट कॉलेज की हम बात करेंगे 119, शारीरिक शिक्षा विभाग भोपाल के अंदर ये है, और उदयपुर इसका शहर का नाम है, जिले का नाम है। नेक्स्ट कॉलेज रहेगा और जो कि अंतिम कॉलेज रहेगा आज की सूची का, जिसका कोड है 120, यानी कि 120 इसका कोड रहेगा, महिला शिक्षक परीक्षण संस्थान रिंगस, ये सिक्कर के अंदर आपका अवेलेबल रहेगा रिंगस के अंदर। तो साथियों ये थी आपकी सूची जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ कोड नंबर 101 से लेके और कोड नंबर 120 तक, आपके 20 कॉलेजेज हैं जिनकी जानकारी आप लोगों को दी है। कोई भी राजस्थान का साथी है एडमिशन लेने का इच्छुक है और उसकी इच्छा केवल और केवल ये है कि वो राजस्थान में एडमिशन ले, तो इससे अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। इन सभी कॉलेजों के नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, ताकि कोई भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है तो जरूर एक बार इन कॉलेजेस में विजिट कर ले। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी साथी राजस्थान से है, किसी भी कारण से आपका आपके स्टेट में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, DLED यानी कि BSTC यदि आप करना चाहते हैं तो हरियाणा से अवेलेबल हो जाएगा, BEd भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, DPed और BPed ये दोनों कोर्सेज अवेलेबल करा देंगे। DPed की बहुत सारी कॉलेजेज हरियाणा के अंदर अवेलेबल है, और ये DPed का कोर्स होता है ये +2 लेवल पे होता है, BPed का कोर्स होता है ग्रेजुएशन लेवल पे होता है।
डी फार्मेसी का कॉलेज भी हरियाणा के अंदर काफी अवेलेबल है। डायरेक्ट एडमिशन होता है, यहाँ किसी प्रकार का कोई पीटीटी का एग्जाम नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस नहीं होता है। मोस्टली कॉलेज हम आपको हरियाणा में अवेलेबल कराएंगे। बीपीएड के कॉलेज आपको हरियाणा प्लस यूपी दोनों स्टेट के अंदर अवेलेबल कराएंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि हरियाणा में भी राजस्थान की तरह कॉलेजों की संख्या कम है, बट यहाँ डायरेक्ट एडमिशन होने की वजह से बीपीएड की थोड़ी फीस महंगी होती है, तो हमारा बहुत सारे जो कॉलेजेस है यूपी में उनके साथ हमने टाई अप कर रखा है, तो आपका बीपेड का कोर्स हम यूपी से कराने की कोशिश करेंगे। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9467179859। इस कॉन्टेक्ट नंबर को आप ओपेंद्र सर हरियाणा करके सेव कर ले, ताकि जब भी आपको कोई जरूरत लगे, आपको ये महसूस हो कि भाई हरियाणा से हमें किसी कोर्स को करना है, तो एक बार इस कॉन्टेक्ट नंबर को जरूर अपने मोबाइल में सेव करके रख लें। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 9467179859 ये कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, इसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथियों फिलहाल की और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर करनी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जो आपका कंप्लीट विस्तृत जानकारी हमने बीपेड एडमिशन्स के बारे में दे रखी है, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, और आप एक बार उसको जरूर चेकआउट कर लेना। धन्यवाद साथियों।